मैं बस इमरान खान को जानता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल। दूसरी पार्टियों से लुटे निकल कर आए ना सब, उनका मिक्सर बनाया इन्होंने। जब इलेक्शन हो गया ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसने कितनी सीटें निकाली हैं। डॉक्टर साहबा जो हैं कितनी पार्टियां छोड़ के आई हैं, फवाद चौधरी साहब कितनी पार्टियां छोड़ के आए हैं, कितने बंदे हैं, सबके नाम नॉमिनेट कर लें, चंद अफराद होंगे जो इनमें नए होंगे, नहीं तो अदरवाइज तो वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीर खान। इस्तेहकाम पाकिस्तान नई सियासी पार्टी वजूद में आई है, ये गढ़ है जनाब अदीम खान साहब का, ये मेन बाजार गढ़ी शौक है, ये हलका है अदीम खान साहब का जो कि रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो आइए आज उनके हलके में आवाम से बात करते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान के बारे में उनसे राय लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो सियासी पार्टी नई वजूद में आई है उसका मुस्तकबिल क्या है, या लोग उसे जानते हैं या नहीं जानते। तो आइए मेरे साथ। अच्छा यार ये सिर्फ बता दें कि एक नई पार्टी वजूद में आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसको जानते हैं आप? नहीं, मैं बस इमरान खान को जानता हूँ जी, बस इमरान खान को जानता हूँ। नहीं वो तो यार नई पार्टी जो आई है वो इस हलके के अली खान साहब है ना, वो उसके खास खसूसी रहनुमा है, इसके अलावा मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल। आप किसको जानते हैं? इमरान खान को, सिर्फ इमरान खान को जानते हैं जी। मेरे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? आपकी दुआएं अल्लाह का शुक्र। यार एक नई पार्टी वजूद में आई है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान जी, आप उसको जानते हैं? नहीं। कमाल है यार, आपके हलके के जो अलीम खान साहब हैं जी जी, वो उसके रहनुमा हैं और खास रहनुमा हैं। अच्छा तो आप उस पार्टी को नहीं जानते? नहीं मुझे नहीं पता, यकीन माने आप सुनो, मैं सिर्फ ये जानता हूँ ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई। अच्छा हाँ जी, ये जमात इस्लामी होगी। ये जो इस्तेहकाम पार्टी है ना, मेरा तो ख्याल है ये जो दूसरी पार्टियों से लुटे निकल कर आए ना सब, उनका मिक्सर बनाया है इन्होंने। आप बड़े बड़े नाम है इसमें, इसके चेयरमैन बेशक नाम बड़े जहांगीर तरीन खान साहब है, बेशक नाम बड़े हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो गया ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसने कितनी सीटें निकाली हैं। मेरा जो आइडिया ना, अगर 100 में से ये अगर 5% भी निकाल लेना तो बहुत बड़ी जीत होगी इसकी। अच्छा इससे पहले आपको याद है कराची में एमक्यूएम की पार्टी थी, जब वो टूटी थी तो उस वक्त वहां साहब आए थे, उन्होंने बनाई थी पाक सरजमीन पार्टी, तो उनका इलेक्शन में क्या हाल हुआ था याद है ना आपको? नाम तो वही बहुत काफी बड़ा था कराची का, मुस्तफा कमाल, क्योंकि उन्होंने काम किए हुए थे। लेकिन भाई जान जब तुम एक पार्टी से निकल जाते हो ना, ये तो तुम अलग यार, तुम आजाद खड़े हो जाओ और बात होती है। नहीं तो इस हलके के जो अलीम खान साहब है उन्होंने अपने हलके में काम नहीं किए हुए? पता नहीं, मैं इस हलके का नहीं हूँ, मैं वो कोई नाली शाली बनवाई हो किसी ना, कोई गटर नाली गटर खुलवाया उन्होंने, पता नहीं कोई सियासत कह नहीं सकते। बाकी मैं वो सारे काम करवाए हूँ, लेकिन मैं ठीक है बस थी, उनकी अपनी किराए है अलीम खान वगैरह की, बाकी मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे इस तरह के लिए। मेरे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अच्छा ये बताइए एक नई पार्टी वजूद में आई है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसको जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं, अलीम खान की पार्टी है। अच्छा ये हलका अलीम खान साहब का है? हाँ जी ऐसा ही है ना। हाँ जी ये गढ़ी शौक हलका जो है ये अलीम खान साहब का है, तो बताइए क्या मुस्तकबिल है इस पार्टी का? नहीं पार्टी अच्छी है, इनके चेयरमैन वो हैं जंगीर जहांगीर तरीन खान साहब। हाँ जी वो हैं, और जो हमारे अलीम खान साहब हैं वो बंदे अच्छे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, यहाँ पर हर डिस्पेंसरी बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, खाने के लिए सिस्टम चलाते हैं, हर मंथली पैसे देते हैं लोगों को, काम करते हैं अलीम खान साहब। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह करे उनकी पार्टी उभरे, मेन पे आए, फ्रंट पे आए, हमें भी कोई नया बंदा चाहिए, चेंज होना चाहिए। नून लीग से तो तंग आ गए हम, आटा कहाँ चला गया है? शुबाज शरीफ साहब ने आटा मुफ्त बांटा है, जो वो हमें नहीं चाहिए था, हमें आटा चाहिए था सस्ता, मुफ्त नहीं चाहिए था। मुफ्त क्या करना आटा, मुफ्त आटा, खराब आटा, गंदगी वाला आटा, खुद खाया तुमने पूछे जरा? वो आटा खाने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें वही आटा सस्ता देता, हमें पता चलता मियाँ साहब ने हमें आटा सस्ता दिया, बाद में वो आटा महंगा कर दिया, क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छी बात की है भाई ने जनाब। आइए किसी और से पूछते हैं जनाब, फ्यूचर क्या लग रहा है आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान का? फ्यूचर किसी का भी कुछ हो, अवाम का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, वो डार्क ही है। अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से कोई असगायब से हो जाए तो हो जाए, इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं।
मतलब जितनी ये पार्टियां सियासी पार्टियां इनसे कोई उम्मीद नहीं, पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं, बंदे तो वही हैं, सब वही हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत नसीब हो जाए तो कोई कलाबाजी लगा के इसमें आ गया, कोई उसमें चला गया, वही है वही है। मैं तो कह लाइक दिस पीटीआई, उसको कहें तो वो लाइक दिस नून लीग, वो जेटीआई, वो सारे वही तो हैं, वही रोलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा जो हैं कितनी पार्टियां छोड़ के आई हैं, फवाद चौधरी साहब कितनी पार्टियां छोड़ के आए हैं, कितने बंदे हैं, सबके नाम नॉमिनेट कर लें, चंद अफराद होंगे जो इनमें नए होंगे, नहीं तो अदरवाइज तो वही हैं। आज तक उनसे आपको कोई बेनिफिट मुल्क को मिला? ओनली वन पर्सन को नहीं, नहीं। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड उठा के देखें तो नून लीग में कम से कम कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड्स वगैरह, या काफी हद तक जो कारोबार बेटर था, ये जो 6-7 साल गुजर गए इसमें वो कारोबार के वो हालात। अच्छा, इस तक हमें पाकिस्तान जो पार्टी है, क्या समझते हैं आप, ये अपने तई कुछ बनने की कोशिश करेगी या किसी के साथ मर्ज हो जाएगी किसी पार्टी के साथ? सर नजर आ रही है, मर्ज क्यों नहीं है, ही वही तरीन साहब पे देखे ना, पाबंदी लगी तो तरीन साहब आउट ऑफ बोर्ड हुए, ठीक है। उसके बाद अब वो फिर वो देखें, अब नून को, अब उनसे भी वो सारी पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान में कानून जो तगड़ा है वो कानून को बदल देता है, जो कानून है वो कमजोर को वो रोल देता है, बस बात इतनी है। कानून अपनी मर्जी के बनते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ होता है। तो ये पार्टी किसके साथ मर्ज होगी, क्या लग रहा है आपको? ये मर्ज क्यों नहीं है, ही पीटीआई नहीं, नहीं पीटीआई से तो निकले हैं ये लोग, पीटीआई ही है, पीटीआई ही है, कम है पाकिस्तान, ये पीटीआई ही है। अच्छा पीटीआई में, अच्छा आप मुझे बता दें थोड़े से नाम, इस टाइम कौन से पीटीआई में मौजूद पड़े? इमरान खान साहब है, वो तो एक लीडिंग रोल है ना, अब उस तरह से नवाशी को हटा देंगे साइड, वो लीडिंग रोल की बात नहीं कर रहे हैं आप। हाली जस्ट बंदा वन पर्सन से थोड़ी चलता है, एक टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क में आप बताएं कौन से हैं, आप बताएं ना कौन से हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी तो पता ही नहीं है। नहीं आपको क्यों नहीं पता, ये तो छोड़ देना। भाई का कहना जी के इस्तकामे पाकिस्तान जस्ट लाइक पीटीआई, ये इनकी अपनी राय है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये एक नई पार्टी आई है हमारे वजूद में जिसका नाम है इस्तकामे पाकिस्तान, सियासी पार्टी है, सही है, जानते हैं इसको? जानते हैं। क्या फ्यूचर है इसका? फ्यूचर इसका जब इसकी कारकर्दगी देखेंगे, अभी इलेक्शन आ रहा है, इनके पास इलेक्टेबल तो हैं, वोट अभी ये जाके अपने पैदा करेंगे, अभी शुरू हो गई हैं गहमा गहमी इलेक्शन की, कुछ ना कुछ सीटें तो उठाएगी, अच्छी खासी सीटें उठाएगी, कुछ ना कुछ नहीं उठाएगी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइए कि नई पार्टी मार्ग वजूद में आई जिसका नाम इस्तकामे पाकिस्तान है, उसको आप जानते हैं? वही पुराने बंदे हैं जो पीडीए से गए हैं, सारे वर्कर वही हैं। अच्छा, उन्होंने नई पार्टी बनाई है? जी जी, सारे पिछले लोग हैं वो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें अलीम खान साहब ये हल्के के जो हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं इस्तकामे पाकिस्तान वोट ले पाएगी, उसका वोट बैंक बनेगा? मुश्किल है, क्योंकि अगर जब अपना पहले जो खड़े थे पीडीआई की तरफ से खड़े थे तो सारी जो वोटिंग हुई थी वो इमरान खान की वजह से हुई थी, ठीक है। पर्सनली इनका जो है इतना बैंक अपना वोट बैंक नहीं इनका, तो इस दफा मुश्किल है। कैसे आप? अच्छा ये बताइए कि एक नई पार्टी इस्तकामे पाकिस्तान, उसके बारे में जानते हैं? हाँ कुछ जानते हैं, कुछ इससे बेहतर है। किससे? पीटीआई से कुछ बेहतर है। अच्छा, ये अलीम खान और जो उसके साथ जो पार्टी कर रही है वो बेहतर है इनसे, ठीक है। तो क्या ये अपना मकाम बना पाएगी इस्तकामे पाकिस्तान? ये अभी तो नहीं बनाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बना लेगी। नहीं अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं ना, 2-4 महीनों में। इलेक्शन में तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है ना, क्योंकि अभी इसका जो कम्पेयर नहीं हुई ज्यादा, ये ज्यादातर तो पीटीआई और नून लीग की हुई है ना इधर, इसलिए जब ये कम्पेयर ऊपर आएगी और कम बैक करेगी तो फिर ये इसके चांस हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ऊपर कितने अरसे भाजेगी ये? ये तकरीबन इसके काम अच्छे करेगी, इस साल पता चल जाएगा कि ये ऑपोजिशन में जा सीटें लेती हैं, पता चल जाएगा इसने कम बैक किया, सीटें ली और कुछ अच्छे काम किए तो अगले इलेक्शन में हो सकता है कि अच्छा काम। आप किसको कहते हैं अच्छा काम? ये है कि आवाम के लिए बुलाई गई महंगाई खत्म करे, सबसे मेन चीज है लोड शेडिंग खत्म करे, ये बिजली के बिल जो ज्यादा आ रहे हैं इसे कम करे। नहीं ये तो इस पार्टी में थोड़ी करने हैं, जो भी आएगी ना पार्टी, ये काम जो पार्टी आएगी इस पार्टी में, ये है कि आवाम के जो है वो इसका ख्याल रखें, जो महंगाई है वो खत्म करें। बहुत शुक्रिया जी।
जी आई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? सर एक नई पार्टी बारद वजूद में आई है जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान। जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान, जानते हैं? कुछ अखबारों में सुना, मेरी सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं। अच्छा, तो इस हलके के हैं अलीम खान साहब, वो उस पार्टी के खास रहनुमा हैं, तो उनको तो जानते होंगे आप? अलीम खान साहब तो तारुफ है कि वो यहाँ के सियासी लीडर हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो इस पार्टी के खास रहनुमा हैं, तो वो पार्टी यहाँ से जीत पाएगी? मैंने चूंकि आपको बताया मेरी सियासी मामला में इतनी दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल ये सुना, उन्होंने पहले काफ़ी कोई काम करवाए हुए हैं लोगों के, ना वेलफेयर के, गलियां बनवाई हैं और काम वगैरह करवाए हैं, तो शायद उनका वोट बैंक हो। दूर से देखा है बड़े इंटेलिजेंट लग रहे थे आप। मैं हवा भर जाती है। अच्छा, ये बताइए कि एक नई सियासी पार्टी वजूद में आई जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान, जानते हैं आप? कितना जहांगीर तरीन साहब उसके चेयरमैन है, अलीम खान साहब जो इस हल्के के हैं वो भी उसके खास रुकन हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या मुस्तकबिल उसका नजर आ रहा है आपको? मुश्किल ही है। कितना ऐसे नून ही है, या पीटीआई दा वोट, पीटीआई दा या नून दा, दो ही वोट, मतलब उन्हां दी गल नहीं बनेगी? मुश्किल। क्यों नहीं बनेगी? अलीम खान साहब अच्छे आदमी ने, ऐसे उन्होंने बड़े काम कराए हैं, लेकिन ये अलीम खान साहब का हल्का है। हल्का अलीम खान साहब ने बड़े काम कराए थे, बहुत अच्छे आदमी ने, लेकिन इस पार्टी जाके कोई मजा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि ये मेरा ख्याल है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपका ख्याल ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएगी? लाजमी मिल के करना पैना, इस तरह से नहीं। किसके साथ मिलने के चांसेस ज्यादा है? तो फिर नून ही हो गई ना, फिर से पार हो जाएंगे, नून भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी, उम्मीद है। अच्छा, मतलब फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा? इस्तेकाम एदा पीटीआई ना होगा मुकाबला। ओके, इन्हां दा पीटीआई नून दा और इन्हां सारे दा मुकाबला पीटीआई नाल ही है, और ये सारे इकट्ठे होकर पीटीआई नू हो सकदा है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।